हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो भी बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस के ऊपर जॉब वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो ये वाला जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हिमाटोलॉजी के तरफ से रिलीज किया गया है वो मुंबई पर है एंड इसके तरफ से कुछ जानकारी दिया गया है जो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेट है एप्लीकेशन आप कर सकते है इलेवेंथ जुलाई के जुलाई से आप एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं एंड क्लोजिंग डेट जो है वो है फर्स्ट अगस्त ठीक है एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा सीबीटी टेस्ट होगा उसका जो टेंटेटिव डेट है वो है ट्वेंटी अगस्त

कैटेगरी के लिए है एंड टेक्नीशियन के लिए कैटेगरी के लिए है and ए वाला जो जो है 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 वो वो का का उनका जो बेसिक सैलरी दिया गया है ठीक है सो अभी देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट प्लस थ्री इर्स बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो अगर आपके पास फर्स्ट प्लस थ्री इयर्स बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर और बायोटेक्नोलॉजी पे डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ जो डिजरेबल क्वालिफिकेशन है वो है टू इयर्स एक्सपीरियंस इन मोलिकुलर बायोलॉजी मतलब ए एसेंशियल नहीं है ए डिजरेबल है हो तो आपको आपके लिए अच्छा होगा सिलेक्शन के लिए ठीक है तो अपर एज लिमिट क्या है इसके लिए अपर एज लिमिट है थर्टी ईयर्स एंड जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसके लिए

ठीक है एंड अभी देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होंगे मतलब सिलेक्शन क्या होंगे तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसको सिलेक्शन किया जाएगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड के आधार पे ठीक है एंड द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज़ पोस्ट वाइज प्रेफरेंस वेरी क्लियर केयरफुली एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लोग दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे मतलब टेक्निकल असिस्टेंट आशिस्टे, एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए उनको प्रेफरेंस दे ग, देना होगा कौन सी पोस्ट में पोस्ट के लिए वो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो वाला मेंशन करना होगा एंड ही और शी वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इफ ही और शी हैज नॉट इंडिकेटेड हिज और हर प्रेफरेंस फॉर सच पोस्ट अगर आप मेंशन नहीं करेंगे पोस्ट वाइज आपका जो प्रेफरेंस है अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं किया जाएगा ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट जारी है और बाकी जो चीज है वो हम देखेंगे और इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो है थ्री हंड्रेड रुपीज एंड जो पीडब्ल्यू डी एस सी एस टी एंड ईडब्ल्यू एस एंड वुमेन कैंडिडेट है उसके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा ठीक है और देखेंगे हाउ टू अप्लाई कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एम के सी एल रिक्रूटमेंट लाइफ पोर्टल ये जो पोर्टल का आ, लिंक दिया गया है इस पे जाके आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं ठीक है ठीके? और अभी हम देखेंगे जो सिलेबस है ए, पोस्ट के लिए वो हम देखेंगे मतलब टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन टेन होगा एंड मार्क्स टेन होगा जो सेक्शन टू में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए टेन क्वेश्चन होंगे एंड मार्क्स भी टेन होंगे क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड टेन एंड मार्क्स टेन एंड सिलेक्टिव सब्जेक्ट नॉलेज और स्किल टेस्ट दैट इज बेसिक बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी के ऊपर जो सब्जेक्ट बेस्ड जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके ऊपर 70 क्वेश्चन आएंगे उसका मार्क्स होगा 70 ठीक है तो टोटल 100 मार्क्स होगा हंड्रेड 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स होंगे ठीक है एंड जो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट होगा और 120 मिनट्स मतलब दो घंटे के लिए टेस्ट होगा एंड 2.05 करके पर क्वेश्चन पे अगर मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज जो भी है वो सभी सेम है मतलब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस रखा गया है टेक्नीशियन के लिए भी सेम सिलेबस रखा गया है ठीक है सो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं इलेवन जुलाई से ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो